गई प्रीति की तस्वीर, सेठ संपतलाल की बेटी, इसे किडनैप करना है। इसे किडनैप करते ही ये झोपड़ा महल में बदल जाएगा प्यारे। लेकिन इसे स्कूल से उठाना खतरनाक साबित हो सकता है। अरे स्कूल से नहीं, इसे कैसे उठाना है हम बताते हैं। रोको रोको, गाड़ी रोको रोको रोको। अरे क्या हो गया भाई? जोश हो गया भाई। क्या हो रहा है अंकल? चिल्लाई तो मार डालेंगे। भाई तुम दोनों इसका ख्याल रखो, मैं इसके बाप से सजा तय करके अभी आता हूँ। ओके ओके चलो। संपत सेठ, तुम्हारी बेटी प्रीति हमारे कब्जे में। क्या, कौन हो तुम? हम कोई भी हों, पर ध्यान से सुनो, पुलिस या किसी और को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो। आखिर तुम क्या चाहते हो? 1 घंटे के अंदर अंदर 2 लाख रुपए लेकर गोल्डन बीच पर आ जाइए, वरना तुम्हारी बच्ची के साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, समझे? जानकी, किसी ने प्रीति को किडनैप कर लिया है। क्या बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी? गीता बेटी, प्रीति को किसी ने किडनैप कर लिया है। माल लाए हो? इस मासूम बच्ची को छोड़ दो। इस मासूम बच्ची को छोड़ने का 2 लाख रुपया लगेगा। 2 लाख? अरे भाई, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, कौन है आप? जी भगवान? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम प्रेम कुमार है। भाई मेरा मतलब है, किसके बेटे हो, किस खानदान से हो, कहाँ रहते हो? इतना नेक काम तो कोई शरीफ खानदान का आदमी ही कर सकता है। जी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा फर्ज था। वैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, यूँ समझ लीजिए कि मैं अनाथ हूँ। अच्छा इजाजत दीजिए। अरे भाई ठहरो, जानकी इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। जी इसकी क्या जरूरत है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम की तलाश में जाना है। अरे फिर तो आज से आपके काम की तलाश खत्म। क्यों बाबूजी? हाँ हाँ, हमारे यहाँ हाउस मैनेजर का काम संभाल लो और हमारे साथ फैमिली मेंबर की तरह से रहो। जी हाँ, कह दीजिए मिस्टर प्रेम। ठीक है, अगर आप लोग इसे सही समझते हैं तो ठीक है। अरे भाई नौकरी तो मिल गई,
अब छोकरी भी बहुत जल्द मिल जाएगी। तुम्हारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। अरे भाई, दिन चांदी के और रातें सोने की हो जाएगी। ड्रामा बड़ा कामयाब रहा, किसी को भी बिल्कुल शक नहीं हुआ। अभी तो देखते जाओ आगे आगे कैसी एक्टिंग करता हूँ। आज रात को सेठ संपत लाल डिनर पर जा रहा है। बाबूजी, ओह मिस्टर प्रेम। गुड इवनिंग मैडम। बाबूजी कहाँ हैं? जी वो डिनर के लिए बाहर गए। कब तक आएंगे? ओह माय गॉड, क्या हुआ? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। मम्मी पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस को फोन करेगी? तिजोरी की चाबी निकालो। मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। अरे ये इज्जतदार लोग हैं, ये ऐसे चाबियां नहीं देंगे जब तक इनकी इज्जत ना लूट ली जाए। ले जाओ इन दोनों को और बांधो। मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। तिजोरी की चाबियाँ, तिजोरी की चाबियाँ, मेरे बच्चे को छोड़ो। तिजोरी की चाबियाँ तिजोरी के पीछे है। क्या हुआ? क्या हुआ सर? चोर डाकू सर्वनाश हो गया सर। जानकी 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 बर्बाद हो गए, हम लुट गए। उन्नीस कुत्तों ने हमें बर्बाद कर दिया। उन्नीस कुत्तों ने हमें बर्बाद कर दिया। क्या हुआ भगवान, तूने ये क्या किया? ये तूने क्या किया? जानकी 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 जानकी, ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा ही क्यों रहा? आप हिम्मत से काम लीजिए सर। जानकी चली गई, गीता की इज्जत धूल में मिल गई। अब इस गांव के लोगों को मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मेरी गीता को कौन अपनाएगा? आप चिंता मत कीजिए सर। और फिर गीता जी तो वकालत कर रही हैं, इन्हें अपनाने वालों की क्या कमी है? नहीं नहीं प्रेम, अब तो जी चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं। नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत सोचिए। गीता जी ठीक कह रही हैं सर, अब जो भगवान को मंजूर था वो तो हो गया, मगर अब आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं आपकी इज्जत के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप आशीर्वाद दें और गीता जी मान जाए तो मैं गीता जी से शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर तुमने गीता को अपनाया तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है सर, अब ये गांव छोड़कर किसी और शहर में कारोबार करें, जगह बदलने से सबके मन को शांति मिलेगी। मेरे प्यारो, ये देखो ये देखो ये देखो, आज बलायती लाया हूँ, बलायती जॉनी वॉकर। अरे अब तो रोज विलायत जाके विलायती पियेंगे प्यारे। अरे प्यारे, इसी बात पर अपना अपना ग्लास उठाओ, हो जाए जाम हो जाए।
अरे वाह 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 वाह, पी जाओ पी जाओ पी जाओ। अरे तेरे डरो प्यारो, एक एक और जाब हो जाए, एक एक और हो जाए, उसके बाद हम ये सारा माल आपस में बांट लेंगे, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो, बल्कि सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। ये लो, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। अबे किधर लुढ़कता है? और ये तुम्हारा। आई आई आई, सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। पूर्वं यक्षमन्त प्रजानां तस्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येनेतं भूतं भुवनं भविष्यत ग्रहीतां येन यज्जस्तायते सप्तहोतायतः तस्मे मनः शिव यस। बाबूजी, बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रेम, ये अकाउंट में कुछ 5-6 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। अकाउंटेंट ने बताया कि ये रुपया तुमने लिया है। मैंने? हाँ बाबूजी, ये अकाउंटेंट बिल्कुल 420 है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। ये हम बताते हैं सेठ, ये कितना शरीफ आदमी है। ये लोग बच कैसे गए? कौन है तुम लोग? अंदर कैसे आए? बाबूजी, ये बदमाश गुंडे सूर हमारे दुश्मन है। हम तुम्हें बताने आए हैं, शहर बदल जाने से दुश्मनी नहीं बदल जाती। हमारी दुश्मनी का खाता अब तक खुला हुआ है और एक खाता आज हम बंद करने आए हैं। निकल जाओ यहाँ से। सेठ, तू इस भेड़िये को नहीं जानता, तेरी बर्बादी का कारण भी यही है। इसी भेड़िये ने तेरी बेटी की इज्जत। किसी ने ही तुम्हारी छोटी बेटी को किडनैप किया और इसी ने ही तुम्हारी बड़ी बेटी की इज्जत लूटी। कमीने, तूने ये सब किया? अबे बुड्ढे, अब तो तू जान ही गया है कि मैं कितना शरीफ आदमी, इसलिए अब तुझे मरना होगा। कमीने कुत्ते, तूने हमारे साथ विश्वासघात किया, भगवान तुम्हें इसकी सजा देगा। मार रहा है मुझे। पापा की शक्ल ठीक से दिखाई देती है लेकिन उस कातिल की शक्ल नहीं नजर आ रही है। काश तुझे उस कातिल की सूरत नजर आ जाए और वो मुझे कहीं मिल जाए, मैं उसे गोलियां से भून डालूंगी। काश ऐसा हो जाए बीबी। रिलैक्स प्रीति, रिलैक्स।
फायरिंग देगा। साला फोकट का अंडा ब्रेड खाता है, हमको इसको गेस्ट हाउस में नहीं रखने का है, इसको निकाल देगा। अरे आंटी, क्या हुआ आंटी? क्या तुम हमको आंटी बोला? पिंटो, इस राजू के बच्चे का भी सामान बाहर निकालने को मांगता है, निकालो। सॉरी मिस मैरी, सॉरी, पर क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? हाँ, क्या नहीं हुआ? साला बचपन से हमने तुमको संभाला, बिना माँ बाप का बच्चा खिला खिला के हम तुमको इतना बड़ा किया, तुम कुछ काम का नहीं। हम ये गेस्ट हाउस बंद कर देगा, नहीं मांगता हमको ये लफड़ा। पिंटो, आज से ये गेस्ट हाउस बंद। तो फिर क्या हम फुटपाथ पे रहेगा? हमको क्या, किधर भी जाओ, किधर भी जाकर मरो। अरे मिस मैरी, हम लोग तुमको छोड़कर किधर जाएगा? हम तुमको कितना प्यार करता है। नहीं मांगता हमको तुम्हारा प्यार व्यार। ठीक है, हम सब जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। और हमारा पुराना फटा कपड़ा है ना, फेंक देना उसको समुंदर में। हाँ हाँ, फेंक देना उसको। और जब इसे पाल आएगा ना, तो कहना कि हमने मिस मैरी के साथ बरसों इंतजार किया था उनका, अब नहीं करेगा। गुड बाय। देखो पिंटो, साला बात करता है, बोलता है चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा रे मौने, कहाँ चला जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं मिस मैरी, हम लोग किधर जाएगा? अपने कमरे में जाएगा, मैं और किधर जाएगा? तुम सब लोग हमको बहुत सताता है, हम सब बॉल को बोलेगा, हम सब बॉल को बोलेगा, मिस मैरी, बॉल को बोलेगा। पॉल, देखो पॉल, ये राजू का बच्चा हमको कैसे उल्टा सुल्टा सुनाता है। क्या मिस मैरी, आप मिस्टर पॉल को हमारा शिकायत मत लगाओ। लगाएगा, जरूर लगाएगा। पॉल के सिवा हमारा दुनिया में कौन है? हम तुमको लाख बार बोला, जब हमारा भेजा गर्म होता है तुम अपना भेजा ठंडा रखा करो। सॉरी मिस मैरी, हमसे गलती हुआ ना, हम अपने कान को हाथ लगाता है, हम इसे पॉल का कसम खाता है। देखो मैं, तुम पॉल का कसम खाएगा तो हम तुमको कच्चा खा जाएगा। देखो राजू, झूठा कसम खाएगा तो हमारे पॉल को कुछ हो जाएगा ना। नहीं नहीं, हम झूठा कसम नहीं खाता है, सच्ची मिस मैरी, हम सच्चा कसम खाता है। मिस मैरी, अगर हमें मिस्टर पॉल के लिए अपना जान भी देना पड़ा ना, तो हम बहुत खुशी से देगा। हाँ, तुम ऐसा क्यों बोलता है रे मामा ने? हमको तुम्हारा जान भी प्यारा है, तुम तो हमारा बेटा का माफिक है। मिस मैरी, मिस्टर पॉल को गए 20 साल हो गए, वो अभी तक लौटे नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो वापस आ जाएंगे? अरे राजू, वो आए ना आए, पर ये क्या कम है, उसका याद तो रोज आता है। राजू, जब तक सांस चलता है हम पॉल का इंतजार करेंगे। अरे मामा ने, तुम हमको कितना रुलाएगा? बेटा, राजू को और वो छोकरा लोग को लंच खिला। जाओ मैं जाओ। काला का? अच्छा मिस मैरी। पॉल, तुम कब आएगा? कम से कम ये छोकरा लोग के सामने हमारा इज्जत रखने को तो आओ पॉल। मिस्टर मोहनदास, आप मुझे सबूत के लिए विटनेस नहीं दे सकते, मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो मैं केस क्या लड़ूंगी? हाँ, आप अपना केस किसी दूसरे वकील के पास ले जा सकते हैं। नहीं नहीं वकील साहब, ऐसा ना कीजिए। देखिए, कोर्ट खुलने से पहले अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं जुटा सकते तो आप 7 साल के लिए अंदर हो जाएंगे और आपके बेटे को फांसी हो जाएगी, समझे? फांसी तो मुझे लग जाएगी अगर पढ़ूंगी नहीं तो। I'm sorry to disturb you, darling. पिताजी के कमरे की चाबियां कहाँ हैं? मुझे कुछ कागजात निकालने हैं। मेरे पास नहीं है, प्रीति के पास शायद होगी, उससे ले लीजिए। प्रीति, तुम्हारे पास पिताजी के कमरे की चाबियां हैं? मेरे पास कोई चाबी वाबी नहीं, मुझे पढ़ने दीजिए। अरे तुम्हारे पास तो हर ताले की चाबी है। जी। अरे बिगड़ती क्यों? सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, और फिर साली तो आधी घरवाली होती है। हाथ मत लगाइए जीजाजी, मुझे पढ़ने दीजिए प्लीज। तो फिर चलो मेरे साथ, पढ़ भी लेना और घूम भी लेना। आप जाते हैं या दीदी को बुलाऊं? जी जी जी, उस बेचारी को क्यों तकलीफ देती, मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो जाऊं? जाइए प्लीज। ओके ओके।
मैं कुछ नहीं जानती मिस्टर मोहनदास, और आपके बेटे को फांसी न हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप उस हथियार को बरामद कीजिए। कातिल के फिंगरप्रिंट्स है, और अगर ऐसा न हुआ तो फिर फांसी की सजा यकीन। दीदी प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना। सॉरी, लेकिन मैं भी क्या करूँ, इतने सारे केसेस हैं। डार्लिंग तुम जाकर पढ़ो। ओ दीदी पढ़ूं क्या खाक, जब से कोर्ट बंद हुआ है अपने घर में ही कोर्ट बना लिया है। अरे भाई तुम कॉलेज में जाकर पढ़ लो, कॉलेज की छुट्टियां हैं। ओहो तो लाइब्रेरी भी जाकर पढ़ लो, छुट्टियों में लाइब्रेरी भी बंद रहती है। ओहो तुम्हें जहाँ जगह मिले वहाँ जाकर पढ़ो। ठीक है पढ़ लूंगी। मिस्टर गौतम आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लाए, लाइए मुझे दिखाइए। हेलो दूसरे नंबर पे फोन कीजिए, दीदी नीचे है। कोर्ट खुलते ही आपका बयान हो जाएगा, और उसके बाद उम्मीद है अदालत का फैसला शायद आपके ही हक में होगा। प्रीति कहाँ जा रही हो पढ़ने? हाँ तो मैं क्या कह रही थी, बोटमैन 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 बोटमैन, क्या मुसीबत है? एनी प्रॉब्लम आराम? प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। देन तो बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिग हो या छोटा तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा है। मुझे तुम्हारा बोट चाहिए। नो प्रॉब्लम मैडम, कहाँ जाएंगी आप? थ्रू सोक, थ्रू बीच, राउंड आयलैंड, वैसे जाना कहाँ है आपको? बीच समंदर में। नो प्रॉब्लम। क्या कहा आपने, बीच समंदर में? हाँ बीच समंदर में, टाइम के हिसाब से तुम्हारे बोट का पैसा मिलेगा। नो प्रॉब्लम, आइए आइए। बस यहाँ रुक दो। यहाँ पे? हाँ यहाँ। यहाँ यहाँ आप क्या करेंगी? अच्छा आप यहाँ क्या मच्छी मारेंगी? मच्छी? क्या मच्छी पकड़ने का सामान है मेरे पास? मेरे पास ये है पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ना चाहती हूँ। दो महीने बाद मेरे एग्जाम है, पढ़ूंगी नहीं तो फेल हो जाऊंगी, समझे? हाँ आपको बीच समंदर पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगी तो फेल हो जाएंगी। इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। उफ, यहाँ भी वही क्रिकेट घर की तरह, कभी दीदी की पुकार, कभी हॉर्न की आवाज, कभी फोन की रिंग, और यहाँ तुम एक प्रॉब्लम हो। ओ गॉड कोई पढ़े तो कहाँ। समझ गया समझ गया, आप तो बड़ी मुसीबत में। तुम चुप बैठ सकते हो या नहीं? क्यों बैठता हूँ, क्यों नहीं बैठता, जरूर बैठता हूँ ना, बैठ गया। वापस चलो। चलिए जी चलिए चलिए चलिए। कितने पैसे हुए? हम 4 घंटे, 75 रुपए एक घंटे का, यानी 300 रुपए। ये लो। मैम। यस। आपकी पढ़ाई खत्म हो गई या बाकी है? बाकी है। यानी आप कल फिर आएंगी? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुड। मैडम आपका कोई घर नहीं है क्या? हाँ घर नहीं है, क्या मतलब? सही आप पढ़िए, ऐसे पूछा था।
सर माफ कीजिएगा मैडम, आपके घर में आपके पढ़ने का कमरा नहीं है क्या? कमरा? कमरा क्यों नहीं है? कमरा है पर कमरे की दीवारें नहीं होंगी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, एक तो धूप इरिटेट कर रही है और ऊपर से आपका बहुत तंग कर रहा है ना? लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। और ये जूते तुम्हें परेशान करते हैं ना, इनका तो मैं बिगाड़ सकती हूँ। चलो मिस मैरी। अरे 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 छोड़, क्या करता है तुम, क्या करता है? एक बात पूछूं मिस मैरी? पूछो, क्या पूछना मांगता? जब आप मिस्टर पॉल को पहली बार मिली थी तो क्या हुआ था? ए मवाली, कोई लड़की मिल गई है क्या? हाँ, लेकिन बोलो ना क्या हुआ था? अरे दिल धड़का था और मैं शर्म भी आया था। हद तेरी, उधर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसे शर्म भी नहीं आई। अरे मिस मैरी वो बड़ी बेशर्म लड़की है, उसने मेरे जूते भी समंदर के अंदर फेंक दिए। हाँ। एक बात और पूछूं मिस मैरी? पूछो। ये पहला पहला प्यार कैसे होता है? अरे मवाली, प्यार कैसा भी हो जाता है मगर तुम जिसको प्यार करता है उसको बहुत इज्जत करना मांगता है, बहुत ख्याल करना मांगता है। देखो ना, जब हम पॉल के साथ घूमने गया था तो वो दिन बहुत तेज धूप था और हमारे माथे पर पसीने का एक बूंद चमका, तो जानते हो पॉल ने क्या किया? फौरन हमारे लिए छतरी खरीद लाया। छतरी? बैठ जाओ। ओ जी, हम कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? अजी कह रहे थे ये छतरी मिस मैरी की है। मिस मैरी? ये कौन है? बड़ी अच्छी है वो, बहुत प्यार करती है हमें। करती होगी, हमें क्या? अरे हम बड़ी मुश्किल से छतरी मांग कर लाए मिस मैरी से आपके लिए। नहीं चाहिए हमें ये छतरी। कमाल है, कल आप खुद धूप से बचने की किताब इधर कर रही थी, कभी इधर कर रही थी, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो हमने सोचा मिस मैरी से ये छतरी मांगी ले आपके लिए। बोलाने नहीं चाहिए तुम्हारी ये मिस मैरी की छतरी। अरे मैम साहब, ये छतरी बड़ी हिस्ट्रिकल है। हिस्ट्रिकल नहीं, हिस्टोरिकल। हाँ वही हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। मैडम आप जानती नहीं मिस मैरी मिस्टर पॉल को कितना प्यार करती है। करीब 20 साल हो गए, दोनों दरिया के किनारे घूमने निकले थे, धूप बहुत तेज थी आज की तरह, और इसी धूप से बचने के लिए इसी छतरी में दोनों पास पास आ गए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। फिर क्या हुआ? फिर ट्रेजेडी। कुछ दिन बाद मिस्टर पॉल पेरिस चले गए, वादा किया था कि जल्दी आएंगे पर 20 साल हो गए अब तक नहीं लौटे। बेचारी मिस मैरी अब तक उनका इंतजार करती है, कहती है एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे, और रोज उनके फोटो के सामने पॉल जोतेम जोतेम पॉल। मैम साहब हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं,
और ना हमने मिस मैरी से कभी पूछा। ये जोतेम का मतलब क्या होता है? जोतेम का फ्रेंच में मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। अच्छा राजू, तुम कहाँ तक पढ़े हो? हर इंसान का पहला स्कूल उसकी माँ की गोद होती है मैम साहब। ना मुझे माँ मिली ना उसकी गोद, तो पढ़ते कहां से हैं? फिर भी हमने बहुत पढ़ा है। ये समंदर है ना, ये मेरा स्कूल है, और ये लहरें मेरी किताबें। छतरी लाओ मैम साहब। हाँ। मैसी बोकू। मैसी बोकू? वो क्या होता है मैम साहब? मैसी बोकू का फ्रेंच में मतलब होता है धन्यवाद। धन्यवाद। मैसी बोकू जोतेम। मैम साहब, आज समंदर बहुत रफ है, आप पढ़ना चाहती हैं तो यहीं बैठकर पढ़ लीजिए ना। आज मैं पढ़ने नहीं, तुम्हें बुलाने आई हूँ। मेरे घर आओगे? आपके घर? अरे मैडम, आपका घर तो बहुत बड़ा होगा। तो क्या हुआ, बड़े घरों में लोग खो जाते हैं। मेरा घर देखिए कितना छोटा सा है, इसमें ना मैं खो सकता हूँ और ना आप नहीं, तुम कह के पुकारो मुझे। जी हाँ, तुम। आज मेरी दीदी का जन्मदिन है, मैं तुम्हें इन्वाइट करने आई हूँ, तुम आओगे ना? आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। फिर आप नहीं, तुम। थैंक यू। शाम को रंगीन बनाने के लिए जाम पे जाम तो चलना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी, हे, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? जी वो तुमसे मिलना है। हमसे मिलना? जी आपसे नहीं, वो तुमसे। अरे भाई, ये टुन तो सुना था, लेकिन ये तुम कौन है? नाम तो अभी तक पूछा नहीं, लेकिन हम तो इसे तुमसे जानते हैं। इधर उधर क्या? लोग हमें फूल ही नहीं देने आते, इज्जत भी देने आते हैं। और इज्जत वही देते हैं जो खुद इज्जतदार होते हैं। और क्या? लेकिन दीदी, राजू मेरे दोस्त हैं। दोस्ती तो बराबर वालों से की जाती है प्रीति। दीदी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ना उम्मीदी तो हमें तुम्हारे दोस्त से हुई है। क्या बेचते हो तुम? जी मैं कुछ बेचता नहीं, मैं एक बोटमैन हूँ। ओ, बोटमैन। इतनी शान से बोल रहा है बोटमैन जैसे कि ये कहीं का लॉर्ड हो या बहुत बड़ा जमींदार हो। प्रीति, इससे पहले कि और लोग हम पर हंसे या बुरा मानकर यहाँ से चले जाएं, बेहतर यही होगा कि आप इन्हें इनकी बोट तक छोड़ा है। गेट आउट, गेट आउट। ऐसे रुक जाओ राजू, रुक जाओ प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना मैम साहब कि बड़े बड़े घरों में लोग खो जाते हैं। आज आपके घर में इस गरीब का सब कुछ खो गया। मेरी अमीरी, मेरी मजबूरी है राजू। लौट जाइए मैम साहब, लौट जाइए। आप अपने अमीर दुनिया में वापस लौट जाइए। नहीं राजू, अब मेरी दुनिया वही है जहां तुम हो। I love you, Raju. जी मैम साहब। हाँ राजू, I love you. साची मैम साहब।
मिस मैरी। अरे मवाली, आज तुमने ये कपड़ा क्यों पहना? हमने तुमको पॉल के बर्थडे के लिए दिया था, फ्राइडे के रोज पहनने के लिए। जाओ बदल के आओ, जाओ। प्लीज मिस मैरी, प्लीज मेरी इज्जत का कचरा तो मत करो ना उसके सामने। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। अरे राजू, ये तुम गुलाब का फूल कहाँ से लाया? मिस मैरी, ये प्रीति, मैं से प्यार करता हूँ। ये कान में क्या बोला, तुम समझा? कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ नहीं समझा। वेरी नॉटी, वेरी नॉटी, तुम सब समझता है। देखा कितना शर्माता है, हमारा पॉल भी ऐसा ही शर्माता था। मिस मैरी, आप मिस्टर पॉल को बहुत प्यार करती हैं, अपना जान से भी ज्यादा। मेरा मतलब है, इतने साल गुजर गए, आप अभी तक उनका इंतजार कर रही हैं? अरे हम तो अपने पॉल का मरते दम तक इंतजार करेगा। देखो ना, अपना फिगर अभी तक पॉल के लिए संभाल के रखा है। हेलो पॉल। आता है मैं, ठहरो। बेबी, अगला फ्राइडे हमारा पॉल का बर्थडे है, तुम जरूर आने को मांगता। हम जरूर आएगा मिस मैरी। हाँ, हमको मालूम था तुम आएगा, थोड़ा हमारे लिए और ज्यादा इम्मा वाली के लिए।
हाय प्रीति। जी जाजी। क्या हुआ? What nonsense is this? पकड़ ली मछली, पकड़ ली। क्या कर रहे हैं आप? अरे इतनी खूबसूरत मछली हाथ में आए तो कौन छोड़ता है, जरा सोचो। बहुत कांटेदार मछली, गले में फंस गई तो मुसीबत हो जाऊंगी। अच्छा चलो देखते हैं हमारी बाहों के जाल से ये मछली कैसे बाहर निकलती है। जी आप होश में तो हैं? अरे होश का, तुमने तुम्हें मदहोश कर दिया है। मैं अभी आपकी मदहोशी की दवा करती हूँ, दीदी को जाकर सब बताती हूँ। अरे भाई सुनो प्रीति, अरे प्रीति सुनो, अरे भाई इसमें दीदी को क्या बताना है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बुरा मान गई? ये मजाक नहीं, बदतमीजी है। ओहो ऐसा लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई। अरे भाई साली आधी घरवाली होती है, ये मजाक का रिश्ता होता है। अच्छा बाबा अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आइंदा से मैं कभी तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा, बस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आइंदा से मैं तुम्हारे साथ कभी मजाक नहीं करूंगा, जो कुछ भी करूंगा सीरियसली करूंगा, क्योंकि सारी दुनिया जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। सुजी मैं अपनी सहेली मैरी के यहाँ जा रही हूँ, खाना भी वही खा लूंगी। अच्छा जानती हो प्रीति, कल रात मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। सपना? घबरा गई ना? घबराने की कोई बात नहीं है, उसमें मैं था, तुम थी और हम दोनों। सपने की बात मत करो राजू, प्लीज। अरे सपने की बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो गई, कोई बात है प्रीति? राजू जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे बाबूजी का कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ था। ओह वही भयानक हादसा बार बार मेरे सपनों में आता है कि एक कातिल मेरे बाबूजी को चाकू से मार रहा है। वो कातिल कौन था? एक धुंधली सी शक्ल हमेशा मेरे सपने में आती है और उस धुंधलेपन में एक सोने की चीज चमकती दिखाई देती है और कुछ नहीं नजर आता राजू, कुछ नहीं, दम घुटने लगता है और आंख खुल जाती है बस। उसके अलावा तुम्हें और कुछ याद नहीं आता? नहीं राजू नहीं, यही तो मुश्किल है। अगर उस कातिल की शक्ल मेरी पहचान में आ जाए, काश वो कातिल मुझे मिल जाए तो मैं हे प्रीति चलो रोना बंद करो। देखो तुम घबराती क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चलो मुस्कुरा दो। अरे ले ले मेरा बाबा, ओए यू जी शाबाश। एन अनएक्सप्लोर्ड होराइज़न, a new force strikes and emerges the leader. GVC video cassettes, only manufactured in India, conforming to international standards. GVC video cassettes from Garware Polyester. लीजिए, आ गई हैं सिस्टर इन लॉ। आज पहली बार इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? अरे देखती नहीं किताबें हाथ में है, पढ़ के आ रही है, बेचारी के सर पर इम्तिहान जो है। आप चुप रहिए। मैं तो हमेशा चुप रहता हूँ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। प्रीति ये मैरी कौन है, तुम्हारी नई दोस्त, कहाँ रहती है? समुन्द्र के किनारे। अरे इसके जूतों में भरी रेत को नहीं देख रही हो? ये मैरी तो कोई दो कौड़ी की औरत होगी, कोई मछुआरन या किसी मलाह वगैरह की औलाद। मेरे दोस्तों को गंदे नामों से बुलाने का आपको कोई हक नहीं, क्या गरीब लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते? हाँ क्यों नहीं हो सकते, किसी गंदी नाली के कीड़े भी हो सकते हैं, उस बोर्डमैन की तरह। राजू का नाम इज्जत से लीजिए और मुझसे तमीज से बात कीजिए। प्रीति दो दिन में तुम इस खानदान की सारी तहजीब भूल गई हो, तुम इससे बात कर रही हो जो तुम्हारे लिए बाप की तरह है। अगर ये मेरे बाप की तरह है तो इन्हें जानना चाहिए कि मुझसे कैसे बात की जाए। सुन लिया, अब ये इज्जत रहेगी मेरी इस घर में। अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो दूसरों की भी इज्जत करना सीखिए। प्रीति बहुत जुबान खुल गई है तेरी, राजू जैसे छोटे लोगों से मिलना या दोस्ती रखना मुझे कतई पसंद नहीं, तो इस घर की इज्जत को धूल में मिलाने पर तुली हुई है। जो घराना इंसान को धूल समझता है
मैं उस घराने की तहजीब से नफरत करती हूँ। देखा देखा, इन देवरों की जड़ में जरूर बोटमैन का बच्चा है। मैं उस जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। वेलकम ब्रदर इन लॉ, वेलकम। आइए तशरीफ रखिए। इस घर आए दुश्मनों की भी इज्जत की जाती है, आपकी तरह नहीं जहां पे दोस्तों की भी बेइज्जती की जाती है। अभी तो सिर्फ बेइज्जती हुई है, मगर अब क्या होगा इसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं। तो आप मुझे यहां धमकी देने आए हैं? अभी तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि प्रीति का पीछा छोड़ दो, अगर आके हैं तो अपने इस छांपड़े और महल के बीच का फासला देख लो। फासला? मुझे तो कोई फासला दिखाई नहीं देता। आप महल वाले हैं ना, इसलिए फासला आपको कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें प्रीति के साथ नहीं देखना चाहता। और मैं भी अपने और प्रीति के बीच में आपको नहीं देखना चाहता हूं। मौत और कुत्ते की मौत में बहुत फर्क होता है। मुझसे टकराने की कोशिश मत करो। तुम नहीं जानते मगर सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। अरे राजू, इतना बड़ा गाड़ी में तुमको कौन मिलने आया था? क्या बताए मिस मैरी, कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी बहुत छोटे लोग आते हैं। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं? एक तो कुछ बोलती नहीं हो और ऊपर से हंस रही हो। खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? वहां गई थी। कहां गई थी? उसकी मम्मी ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? चाय पे बुलाया था। चाय पे बुलाया था, क्यों? लड़की के लिए लड़का देखना हो तो पहले चाय पे बुलाते हैं। मगर तुम क्यों गई थी? क्या करूं, जाना पड़ा। क्यों? लड़का पसंद करने। पसंद आया? बहुत। क्या तुम उससे शादी करोगी? करूंगी, पर सोचती हूँ। क्या सोचती है? तेरा क्या होगा? अरे तू तो कुंवारा रह जाएगा, मेरे गम में मर जाएगा। अरे जा जा, तेरे गम में कौन मरने वाला है? ए राजू। क्या है? तू करेगा क्या शादी? किससे? मुझसे। सोचूंगा।
तो पढ़ने गई थी आप? हाँ दीदी। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? पढ़ाई का बहाना करके राजू से मिलने जाती हो? मैंने कब कहा कि मैं राजू से नहीं मिलती? मैं राजू से मिलने भी जाती हूँ और पढ़ने भी जाती हूँ। ओह, तो ये पढ़ाई करती हो तुम? दीदी पढ़ाई अपनी जगह है और मन की मजबूरियाँ अपनी जगह। आप तो दीदी है मेरी, कम से कम आप तो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही दीदी कि राजू एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने मुझे खुशियों की एक नई दुनिया दी है, मेरे अकेलेपन की दुनिया जो अब तक धूप से जल रही थी उसमें वो एक बादल बन के आया है। लेकिन उस बादल में छिपी हुई बिजली तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रही है? जिस दिन वो बिजली गिरेगी तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। मैं उसी खाक से एक और दुनिया बना लूंगी दीदी, अपनी और राजू की दुनिया। राजू राजू राजू, मेरे सामने बार बार उसका नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? तू हद से ज्यादा बेशर्म हो गई है। इसमें बेशर्मी की क्या बात है दीदी? किसी को चाहना या प्यार करना ये कोई शर्म की बात नहीं है। मैं राजू से प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग है! अब तो खुलेआम प्यार का झंडा बुलंद हो रहा है। वाह! कान खोल कर सुन लो प्रीति, जो पढ़ाई वढ़ाई करनी है वो घर में बैठ कर पढ़ो। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। अब देखता हूँ उस कमीने राजू को तुम कैसे मिलती हो। मैं हमेशा खामोश रहता हूँ लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। जाओ प्रीति पर कड़ी निगाह रखो, वो इस घर से बाहर एक कदम भी न रखने पाए, समझे? यस सर। जाओ। ये हिम्मत, तू यहां तक आ गया है? प्रीति कहां है? कहीं भी हो, मैं कहता हूं चुपचाप यहां से चला जाओ वरना तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। गेट लास्ट। मुझे प्रीति से मिलना है। जब तक मैं प्रीति को नहीं मिलूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? ये घर तेरे बाप का नहीं है, समझे? घर तो आपके बाप का भी नहीं है सर। तो किसके बाप का है? प्रीति के बाप का। आराम साधे, ये घर किसी के बाप का भी हो लेकिन ये घर तेरे बाप का नहीं है। Get out! Get out, I say! ठीक है, लेकिन ये समंदर तो मेरा है, ये बोट भी मेरी है, मगर मैं प्रीति से मिला बिना नहीं जाऊंगा। I won't go! You bastard! ये क्या झगड़ा हो रहा है? यहाँ आइए। क्या हुआ? ये कमबख्त यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। प्रीति! प्रॉब्लम को हल करना तुम्हारा नहीं हम वकीलों का काम है। प्रीति! देखिए ना, प्रीति के लिए जो हिंदुस्तान से रिश्ता आया है उस रिश्ते को मंजूर कर लेते हैं। प्रीति के इम्तिहान खत्म होते ही उसे हिंदुस्तान भेज देंगे और वहीं उसकी शादी कर देंगे। प्रीति! वो तो सब ठीक है लेकिन इस वक्त ये हरामजादा बोट पर बैठे, इसका क्या करें? प्रीति! Shut up, you bastard! Guards! रुक जाइए, मैं देखती हूँ। प्रीति! उल्लू का पट्टा। प्रीति! नमस्ते। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी कहिए। मुझे मालूम है तुम प्रीति से प्यार करते हो। उससे प्यार करते हो तो उसके लिए कुर्बानी दे सकते हो। जी। देखो प्रीति के भले के लिए मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। वादा? तुम तो जानते हो प्रीति को पढ़ाई से कितना लगाव है। 20 दिन के बाद उसके इम्तिहान है, 10 दिन इम्तिहान चलेंगे, यानी 1 महीने की बात है। जी वो तो मैं जानता हूँ, मगर आप किस बात का वादा चाहती हैं? 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए तुम प्रीति को भूल जाओ। भूल जाऊं प्रीति को? कैसी बातें कर रही हैं आप? जिंदा रहूं, सांस ला लूं? मेरा मतलब है तुम प्रीति को मिलते रहोगे तो उसकी पढ़ाई में हर्ज होगा और तुम ये तो कभी नहीं चाहोगे कि प्रीति फेल हो जाए। नहीं, ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो फिर वादा करते हो? 1 ही महीने की तो बात है, उसके बाद शायद वही होगा जो तुम चाहोगे या प्रीति चाहेगी। 1 महीना? बोलो, इतनी सी कुर्बानी कर सकते हो? ये वादा मुझे दे सकते हो? ठीक है,
जब तक प्रीति अपना इम्तिहान नहीं दे लेती मैं वादा करता हूँ मैं उसे नहीं मिलूंगा। प्रीति की कसम? जी हाँ, प्रीति की कसम। उसने किया दीदी से, मैंने नहीं, कसम भी उसी ने खाई है, मैंने तो नहीं। मैं तो मिल सकती हूँ उससे, प्लीज बताइए कहाँ है राजू, हम नहीं बताएगा। उसने हमको पॉल का कसम दिया है। अरे बेबी, राजू तुमको बहुत प्यार करता है, उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारा भले के लिए किया है, उसने तुम्हारा कसम खाया है, वो तुमको कैसे मिल सकता है? ठीक है मिस मेरी, राजू आए तो उसे बताना, मैं उसकी कसम की इज्जत रखूंगी। बाकी हो ए मवाली, एक इम्तिहान प्रीति को देना है और दूसरा इम्तिहान तुमको देना है। तुमने प्रीति को एक महीने का वादा किया है ना, जब भी हम इस मेरी बात तो किया है, लेकिन हमको देखो मैन, हमको देखो, हमने भी पॉल को वादा किया, मेरे को कभी रोते देखा? तभी वादा किया राजू, रोने से क्या होता है रे? रोने से क्या होता है? हाँ मिस मेरी, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। राजू मत रो, माय चाइल्ड, डोंट क्राई, डोंट क्राई। अपने गार्ड्स को कहिए कि मेरा रास्ता छोड़ दें, क्योंकि अपने वादे के मुताबिक आज मैं 30 दिन बाद प्रीति को मिलने आया हूं। बकवास बंद करो, गार्ड्स इसे उठाकर दरिया में फेंक दो। अरे बाप का माल है क्या, दरिया में फेंक दो? गीता दीदी को बुलाइए, उन्होंने कहा था जब प्रीति पास हो जाएगी तो मैं से मिल सकता हूं। और आज का पेपर नहीं पढ़ा क्या? अरे प्रीति पास हो गई है, आपको खुशी नहीं हो रही? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने कहा ना इसको उठाकर फेंक दो। We'll be right back.
ये क्या है? हाँ? ये सब क्या है? इश्क का जलवा। गाट, ये सब निकाल कर फेंक दो, फेंक दो इन्हें। ये सब आप बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन प्रीति की जो तस्वीर मेरे दिल में बसी हुई है, आप उसे उठाकर बाहर कैसे फेंकेंगे? उसे नहीं, तुझे भी मिटा दूंगा। राजू, राजू, चलो, नहीं, चलो, प्रीति, 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 चलो, 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 प्रीति, 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 प्रीति। रहेगा, हम भी नहीं खाएगा, हम भी नहीं खाएगा। हाँ राजू, राजू, मैंने तुम्हारे कसम की लाज रखी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझे यहाँ से ले चलो कहीं। राजू, मुझे प्रीति, तुम्हें ले जाऊंगा। राजू, बेबी ठीक कहता है, पॉल के साथ हम भी प्यारे चला जाता तो आज हम अकेला नहीं होता। लेकिन मिस मैरी, हम जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएगा? रेनियो जाएगा, रेनियो, वहाँ हमारा बड़ा सिस्टर रहता है, हम सब ठीक कर देगा, तुम दोनों उधर रहेगा।
तुम अच्छी तरह से जानती हो कि राजू प्रीति को कहाँ भगा कर ले गया है, बताओ। अरे ओ प्यार का दुश्मन, अकल का अंधा, दो फूल माफ एक बच्चे पे जुल्म करता है, तुमको शर्म नहीं आता? हम नहीं बताएगा। बकवास बंद करो और सच सच बताओ, वरना हम पुलिस को रिपोर्ट करेगा। हम अच्छी तरह से जानता है कि तुमने और राजू ने मिलकर प्रीति को किडनैप किया है। आमीन। तेरा भेजा खराब होयला है क्या? किसको डराता है? हम हमारे पॉल को बोलेगा तो तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देगा। हम तुम्हें देख लेगा। अरे तुम नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है कि हम कितना शरीफ आदमी है। मिस मैरी, डैनियल साहब का फोन है। हेलो, हेलो सिस्टर, कैसा है तुम? हम भी अच्छा है सिस्टर। राजू और प्रीति इधर आ गए और ठीक है। अच्छा अच्छा, वो लोग का ध्यान रखेगा। अरे पॉल हमारे साथ शादी बनाता तो राजू जितना बड़ा हमारा सन होता, वो हमारा सन जैसा है। तुम फिकर ना करो, हम ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय। उसको अपना पॉल का याद आता। पॉल, व्हाट ए लव, एंड गॉड ब्लेस योर लव चिल्ड्रन। आज हम लोग दोपहर को बीच के ऊपर खाना खाएंगा, है? तुमको बहुत मजा आएगा। ओके चलिए। बच्चा लोग कितना खुश है। आज तो मुझे बड़ा मजा आएगा। कैसे? आज रात को हम दोनों कमरे में साथ सोएंगे। वेरी स्मार्ट। मैं तो आंटी के साथ सोऊंगी बाबा। आंटी के साथ? अरे आंटी को क्यों तकलीफ देना। देखो दो ही तो कमरे हैं, जिसमें एक आंटी सोएंगी और दूसरे में हम दोनों सोएंगे, है ना? ओ बुद्धू, शादी से पहले कोई साथ सोता है क्या? शादी के बाद? शादी के बाद हमेशा साथ सोएंगे। सच? बच्चा लोग खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। आओ बच्चा लोग खाना खाओ। जो आ गया आंटी। कम क्या बना? ये रही प्रीति, यही है वो बदमाश बोटमैन राजू। क्या बात है ऑफिसर? ऑफिसर देखते क्या हो, तुम्हारे पास वारंट है, पकड़ लो इसे। पर क्यों? खामोश, सब कुछ जानते हुए नाटक कर रही हो। आंटी, आंटी प्लीज कुछ कीजिए ना, ये लोग राजू को। शट अप, ये तो जेल जाएगी, तेरे साथ क्या सलूक होगा वो तुझे बाद में बताऊंगा। आंटी माय चाइल्ड, अभी कानून के सामने हम क्या करेंगे? हमारा बैड लक है कि हम तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं आंटी, मैं गिरफ्तार तो हो गया हूँ, लेकिन छूटने के बाद इस आदमी को सबक जरूर सिखाऊंगा। शट अप, ले जा उसे। नहीं राजू। शट, तुम डरना मत प्रीति, मेरा इंतजार करना प्रीति, मेरा इंतजार करना, घर पर चल जा। ओ माय गॉड, हेल्प देम, प्लीज हेल्प देम गॉड। ला दबा लो इसे। इतनी बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे उस कमीने राजू के साथ मुंह काला करते हुए? दीदी चीखती क्या है बेशरम, आज अगर बाबूजी जिंदा होते तो शर्म के मारे जहर खा लेते। आज अगर बाबूजी जिंदा होते तो मुझे घर छोड़ के जाने की जरूरत ही ना पड़ती। तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार है, जिस दिन ये भूत उतरेगा और गरीबी की चक्की में पिसोगी उस दिन तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। गरीबी की चक्की से मुझे मत डराइए, गरीब पैसे से गरीब हो सकता है लेकिन उसका प्यार गरीब नहीं होता। मेरे राजू के प्यार ने मुझे कितना अमीर बना दिया है ये आप जैसे दौलतमंद नहीं समझ सकते। इससे बहस करना बेकार है, इसकी आंखों में शर्म और मन में पछतावा ही नहीं है। लेकिन इतना याद रखो प्रीति, कल अदालत में तुम वही बयान दोगी जो मैं चाहती हूँ। कैसा बयान? यही कि राजू तुम्हें किडनैप करके ले गया था, तुम्हें भगा कर ले गया था। नहीं, ये गलत बयान मैं कभी नहीं दूंगी। ये झूठ है कि राजू मुझे भगा कर ले गया था, मैं खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। तेरी मर्जी की हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन बयान तुझे यही देना होगा कि राजू तुझे भगा कर ले गया था। देखो प्रीति, सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। जो हमने कहा है, तुम्हारा सिर्फ वही बयान राजू की जिंदगी को बचा सकता है। अगर तुम राजू को जिंदा देखना चाहती हो तो वो सिर्फ जेल की चार दीवारी में ही जिंदा रह सकता है, और अगर तुम उसे मुर्दा देखना चाहती हो तो
तो फिर तुम्हारे मन में जो भी आए अदालत में बयान दे देना। योनर, यह इल्जाम सरासर बेबुनियाद है कि राजू ने मिस प्रीति को किडनैप किया। मिलॉर्ड, यह मामला किडनैपिंग का नहीं है बल्कि दो दिलों के प्यार का है, उस दोस्ती और चाहत का है मिलॉर्ड, जिसकी धड़कनें हर जवां दिल में सुनाई पड़ती हैं। मिलॉर्ड, जब प्यार करने वालों को यह दुनिया रास नहीं आती तभी वो इस दुनिया को छोड़कर भागते हैं और अपने प्यार की खातिर अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। मिलॉर्ड, मिस्टर राजू और मिस प्रीति अपनी दोस्ती और प्यार की दौलत को बचाने के लिए भागे थे, इसलिए मिस्टर राजू पर लगाया किडनैपिंग का चार्ज गलत और एकदम झूठा है योर ऑनर। योर ऑनर, ये दोस्ती और प्यार की कहानी कानून की आंखों में धूल झोंक कर मुल्जिम राजू को किडनैपिंग चार्ज से बचाने के लिए एक झूठी और गलत दलील है। असली बात तो ये है योर ऑनर, मिस प्रीति को भगाने के पीछे मुल्जिम राजू की नजर एक अमीर और नामी घराने की दौलत पर थी। माय लॉर्ड, ये झूठ बोलता है, एकदम झूठ बोलता है। आप बैठिए मैडम, अदालत की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। मिसेस गीता, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं अदालत में ऐसा गवाह पेश करूंगी जिसे सारी सच्चाई अदालत के सामने होगी, और वो है मेरा गवाह मिस्टर प्रेम कुमार। मिस्टर प्रेम कुमार, आप अदालत को बताइए कि राजू ने प्रीति को किडनैप करने के बाद आपसे फोन पर क्या कहा? योर ऑनर, इस बदमाश ने फोन पर मुझे धमकी दी कि अगर 5 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसे 20 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो ये हमें प्रीति की लाश बेच देगा। ये बिल्कुल झूठ है ऑनर। सच्चाई तो ये है कि मैंने और प्रीति ने इनकी दौलत को ठोकर मारकर प्यार किया है। अदालत तुम्हें अपनी सफाई के लिए पूरा मौका देगी। मिस्टर प्रेम कुमार, आप बैठिए। मिसेस गीता, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। हकीकत ये है कि मिस प्रीति ने अभी 18 साल की उम्र हासिल नहीं की है, ये अभी नाबालिग है, और एक नाबालिग बच्ची को किडनैप करना कानून की नजरों में एक बहुत ही संगीन, बेहद संगीन जुर्म है। इसलिए योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुल्जिम राजू को उसके गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर गंगा बिसुन, आपको अपने क्लाइंट की सफाई में और कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मुझे अब किसी वकील की जरूरत नहीं। प्यार के फैसले इन गलत इल्जामों के सामने नहीं झुक सकते। ऑनर, मेरे पास तो एक ही जवाब है, मेरा प्यार जो ईश्वर की तरह सच है। सांची ऑनर, जो ईश्वर की तरह सच है, बुलाइए प्रीति को और पूछिए उससे कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऑनर, बुलाइए उससे, पूछिए। मिस प्रीति को हाजिर किया जाए। अदालत के सामने सब कुछ सच सच बता दो। ये सच है कि मैं राजू से। हाँ हाँ प्रीति, बोलो ना, सच क्या है? कि न मेरे राजू से दोस्ती है, न मेरी जान पहचान। राजू ने मुझे जबरदस्ती रुपयों के लिए किडनैप किया। प्रेम, हाँ, राजू को तुम अपने सेल में रखो। हाँ। अरे दासरी, अबे नारायण दबा जोर से खाना नहीं खा गया? अबे ओ चिलगोजे, चल बादशाह को सलाम कर। सलाम? कैसा बादशाह, कैसा सलाम? अबे चिलगोजे, हम बादशाह हैं मुजरिमों के दरबार के, और तू नया मुजरिम है। बादशाह को सलाम किए बिना अंदर नहीं जा सकता, चल जल्दी से सलाम कर। अरे चिलगोजे, चल बादशाह को सलाम कर। अबे करना, नहीं तो बादशाह के झापड़ से कनपटी झंझना जाएगी, समझा? तेरी ये सुनत,
बादशाह के दरबार में बेअदबी नहीं चलती। जा, वो चप्पल उठा और मार अपने गालों पर। बेअदब, तेरी यही सजा है। जा। ये क्या बदतमीजी है? हजूर, ये बदतमीजी नहीं, ये बादशाह के दरबार का असूल है। उठा चप्पल और मार अपने गाल पर। अरे ओ नारायण, दासरी चप्पल ला। हजूर, कौन सी चप्पल है? कोल्हापुरी। ये क्या मारपीट लगा रखा है? बंद करो ये सब। तुम अभी अभी जेल में आया है, ये क्या गुंडागिरी करता है? यही तो हम भी बोलते हैं हवलदार, इसको आते ही गुंडागिरी करता है। तुम चुप रहो, तुम भी बहुत दादागिरी करता है सारा। सीधा सीधा रहो नहीं तो मार मार कर टेढ़ा कर देगा। चलो अपने सेल में चलो। ठीक है हवलदार, देख लेगा। राजू, तुमसे कोई मिलने आई है? अरे मिस मैरी। राजू, राजू माय सन। मिस मैरी। राजू, ये सब हमारा मिस्टेक है। ना हम तुमको रेनियो भेजता, ना ये मुसीबत होता। ये सब हमारा मिस्टेक है, ये सब हमारा मिस्टेक है राजू। नहीं मिस मैरी, जो हमारी किस्मत में लिखा था वही तो हुआ। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि प्रीति ने कोर्ट में झूठ क्यों बोला कि तुम उसको भगा कर ले गया था। नहीं मिस मैरी, उसने झूठ नहीं बोला, उससे झूठ बुलवाया गया था। मिस मैरी, उसका कमीना ब्रदर इन लॉ हमेशा हमारे प्यार के खिलाफ था। ये सब उसकी चाल है मिस मैरी, ये सब उसकी चाल है। राजू, अपन लोग कितना बदनसीब है। आज हमारा पॉल होता तो उसका ब्रदर इन लॉ का 32 दांत निकाल लेता और बाहर फेंक देता। मैडम, टाइम खत्म हो गया है। हम जाता है राजू, हम जाता है। मिस मैरी, हाँ? अगर प्रीति मिले तो उसे कहना कि अब मैं उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूं। हम बोलेगा राजू, हम बोलेगा। बाय मिस मैरी, बाय। अरे ओ दासरी, किलगोजा छोकरी के चक्कर में अंदर आए रे। प्रेम, राजू से बोला उससे कोई मिलने आई है। आई है? राव दासरी, रोक दे साले को। खबरदार, जो राजू को कुछ बताया तो तेरे थोबड़े का जुग्राफिया बदल दूंगा, समझा? राव, आप प्रीति जी है ना? जी। आप राजू से बहुत प्यार करती है ना? जी। राजू हमारा खास दोस्त है, उसने हमको सब कुछ बताया, फिर कोर्ट में उसके खिलाफ आपने झूठा बयान क्यों दिया? राजू की जिंदगी बचाने के लिए। बादशाह, 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 क्या हुआ? राजू नहीं आया? मैंने उससे कहा तुझसे मिलने एक लड़की आई है, बोला प्रीति होगी। जा, कह दे उससे मैं उस बेवफा की सूरत तक नहीं देखना चाहता। और क्या? और देने लगा ये मोटी मोटी गालियां। किसको? तुमको नहीं बादशाह, वो इनको। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार राजू को बुला दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे नारायण, तू राजू से जाके कह दे मैंने हाथ जोड़कर उसे बुलाया। नहीं बादशाह, वो हमारे गले से नहीं आएगा, आप ही जाइए। हाँ भाई साहब, प्लीज आप ही राजू को ले आइए ना। अच्छा, मैं जाता हूँ।
दासरी लौंडा आड़ी तो नहीं किया ना रे? नहीं बादशाह, बच्चा बहुत शरीफ है। ठीक है, संभाले रे इसे, मैं आता हूँ। प्रीति जी, वो साला तो पत्थर का हो गया है, आपसे कुछ ज्यादा ही नफरत करता है। कहता है इस जन्म में तो क्या, मैं प्रीति से अगले जन्म में भी नहीं मिलना चाहता, और फिर देने लगा वही मोटी मोटी गालियां। भाई साहब, राजू से इतना कह दीजिएगा कि प्रीति अब उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करती है। अरे दासरी, छोड़ दे चिलगोजे के चमचे को, चाल फटाफट। हट, चम्मच कहीं का। बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। राजू, राजू, राजू। चलो चलो।
दीदी मैं आत्महत्या कर रही हूं। जब मेरा प्यार ही लूट गया तो मेरे जीने के लिए रह ही क्या गया है। मेरे मरने के बाद मेरी लाश को तलाश करने की कोशिश भी मत करना प्रीति। प्रेम क्या हुआ? प्रीति ने आत्महत्या कर ली। क्या? एक्सक्यूज मी, क्या खत? प्रीति हमें छोड़कर दूर चली गई, उसने आत्महत्या कर ली और मुझे जिंदगी भर पछताने के लिए छोड़ गई। सबर करो प्रीता, सबर करो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमने तो जो कुछ भी सोचा था प्रीति की भलाई के लिए ही सोचा था। किसी को क्या मालूम था कि वो अपने प्यार के जनून में ऐसा भयानक कदम उठा लेगी, खुदकुशी कर लेगी। प्रेम, उसका पता करो, शायद उसकी लाश ही मिल जाए, आखिरी बार उसे मैं देख लूं। तुम फिक्र मत करो गीता, मैं सब इंतजाम करता हूं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। चलो। राजू, ये बादशाह तेरे प्यार का गुलाम हो गया है दोस्त। मेरा गुनाह तो खुदा भी माफ नहीं करेगा, हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। मैंने तेरा दिल तोड़ा है ना, मैं ही तुझे प्रीति से मिलाऊंगा। मैं तुझे प्रीति से मिलाऊंगा तो हाय हाय मर गया, हाय मर गया। अरे अरे मर गया बादशाह, अरे बादशाह के पेट में दर्द हो गया। अरे मेरे बादशाह के पेट में दर्द हो गया। अरे बचाओ, मेरे बादशाह के पेट में दर्द हो गया। अरे बचाओ, मेरे बादशाह के पेट में दर्द हो गया। अच्छा बादशाह, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ खुदा हाफिज दोस्त, खुदा हाफिज। When the sun wears you down, all you do is frown, skin's like burning coal. It's time for sun control. Sun control eliminates glare. Sun control reduces ultraviolet radiation. Sun control affords greater privacy. Sun control film from Garware Poly. Good afternoon, sir. Good afternoon, officer. Prithi ki lash ka kuch pata chala? No, sir. लाश अभी तक नहीं मिली, लेकिन हमारी खोजबीन जारी है। ऊपर से खतरनाक खबर और है कि वो बोटमैन राजू जेल तोड़कर भाग गया है। ओह माय गॉड, जेल तोड़ के? जी हाँ, हम उसकी तलाश में मिस मेरी के यहाँ भी गए थे, वहाँ तलाशी भी ली, लेकिन वो वहाँ नहीं है। He's a bloody liar, बात झूठी औरत है वो। हो ना हो उसी ने राजू को कहीं छुपा रखा है। राजू का जेल तोड़कर भागना हमारे लिए भी खतरा हो गया है। गार्ड्स! यस सर। यस सर। उस हरामजादे राजू के बच्चे को चारों तरफ देखो, दिखाई दे तो फौरन पुलिस के हवाले कर दो। जाओ और जाकर तमाम गार्ड्स को खबरदार कर दो। गो। ओके सर। अगर राजू यहाँ आए तो हमें फौरन खबर कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अगर राजू यहाँ दिखाई दिया तो फिर से सीधा हवालात में होगा। प्रीति कहाँ है? प्रीति? प्रीति तो मर गई। झूठे मक्कार, सीधे सीधे बता प्रीति कहाँ है, वरना मैं तेरी। मैं सच कहता हूँ, प्रीति मर गई है। भगवान की सौगंध, उसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? नहीं, प्रीति ऐसा नहीं कर सकती, वो मर भी नहीं सकती। लेकिन अगर वो मर गई है तो जरूर तूने उसकी जान ली होगी। और अगर प्रीति इस दुनिया में नहीं है तो तेरी जिंदगी आज आखिरी दिन होगा।
ये वही क्रिमिनल है योनर, जिसे इसी अदालत ने किडनैपिंग के जुर्म में सजा देकर इंसान बनने का मौका दिया था। इस बदमाश की वजह से प्रीति ने खुदकुशी कर ली। इसने कानून की बाहें मरोड़कर जेल तोड़ी और समाज की जानी मानी हस्ती मिस्टर प्रेम कुमार पर खातिलाना हमला किया। राजू नाम का ये दरिंदा समाज और इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। ऐसे खूंखार आदमी को जेल की दीवारें भी नहीं रोक सकी। इसके कातिलाना मंसूबों को सिर्फ ईश्वर ने ही रोका है, वरना मिस्टर प्रेम कुमार का खून इसने कर ही डाला था। योर ऑनर, इसके मंसूबों को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस दरिंदे के जुर्म को अटेम्प्ट फॉर मर्डर, जान से मारने की कोशिश न मानकर मर्डर माना जाए और इसे सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम राजू, अगर तुम चाहो तो अदालत तुम्हें वकील दे सकती है ताकि तुम अपने बचाव के लिए कुछ कह सको। बचाओ किस लिए और किसके लिए? जज साहब, बचाव की कोशिश वो आदमी करता जिसके दिल में जीने की तमन्ना हो। जब प्रीति नहीं रही तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। मैं अपने दोनों जुर्म कबूल करता हूं। अब आपका कानून मुझे जेल की दीवारों के पीछे फेंक दे या किसी अंधे कुएं में डाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कर सकते हैं तो मेहरबानी कर दीजिएगा। मेहरबानी? जुर्म कबूल करने के बाद अदालत से किस मेहरबानी की उम्मीद करते हो? जज साहब, प्रीति के बिना, अपने प्यार के बिना मैं एक जिंदा लाश हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जज साहब अगर इस जिंदा लाश को फांसी पे लटका दिया जाए। फांसी पे लटका दिया जाए जज साहब, फांसी पे लटका दिया जाए। मुलजिम राजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हेयर योर ऑनर, ये फैसला नहीं, एक अंधा फैसला होगा, एक ज्यादती होगी। बैरिस्टर सिन्हा, आप इस मामले में? यस ऑनर, मुझे इस मामले में पढ़ना पड़ा। यह इंसान खुद मौत की सजा चाहता है, फांसी के फंदे पर लटकना चाहता है। क्यों? वो इसलिए कि कुछ लोगों ने इंसानियत से गिरकर इस पर जुल्म किए हैं, इसकी मोहब्बत को पांव तले रोन दिया है। यही वजह है ऑनर, यही वजह है कि यह शख्स इस अदालत से फांसी की भीख मांगकर फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता बल्कि आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या करना और आत्महत्या करने की कोशिश करना संगीन जुर्म है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस न्याय के मंदिर में किसी मासूम के खून के दाग न पड़े। आप कहना क्या चाहते? मिलॉर्ड, मैं वही कहना चाहूंगा जो सच्चाई मुझे कहने पर मजबूर कर रही है। इससे पहले कि अदालत कोई एक तरफा फैसला दे, मैं चंद बातें इस अदालत के सामने रखना चाहूंगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुलजिम राजू ने अदालत की मेहरबानी ठुकराते हुए कोई भी वकील लेने से इनकार किया है। बैरिस्टर गीता, अगर कोई बीमार दवा लेने से इनकार कर दे तो क्या कोई डॉक्टर उस बीमार को मरने के लिए उसकी मर्जी पर छोड़ देता है? नहीं, इसलिए हमारा यह फर्ज है कि जीने की तमन्ना छोड़ देने वाले की आखिरी सांस तक हम लड़ें और उसे बचाने की कोशिश करें। लेकिन मुलजिम राजू अपने दोनों जुर्म कबूल कर चुका है, इसके बाद बाकी क्या रह जाता है? एक जरूरी तहकीकात। किस बात की तहकीकात? वो मैं इस अदालत से इजाजत लेकर शुरू करना चाहूंगा मिलॉर्ड। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। मैं इस समाज की जानी मानी हस्ती मिस्टर प्रेम कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। मिस्टर प्रेम कुमार को हाजिर किया जाए। जरूर जरूर, मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है? बुरा तो सिर्फ इसलिए लगता है कि बदमाश लोगों के साथ साथ मुझ जैसे शरीफ आदमी को भी हाजिर होना पड़ता है। पूछिए वकील साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सच बोलने की कसम तो उठा लीजिए, क्योंकि आप झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। योर ऑनर, बैरिस्टर सिन्हा अदालत की बेइज्जती कर रहे हैं। और मुझ जैसे शरीफ आदमी की भी। योर ऑनर, सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। मिस्टर सिन्हा, प्लीज बी केयरफुल। आई एम सॉरी ऑनर। मिस्टर प्रेम कुमार, क्या यह सच है कि आप अपने पास हमेशा एक पिस्तौल रखते हैं? पिस्तौल? मैं क्यों पिस्तौल रखने लगा? मुझ जैसे शरीफ आदमी को पिस्तौल रखने की क्या जरूरत है? आप जैसे शरीफ आदमी की शराफत आपके पिस्तौल में ही रहती है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इनकी तलाशी ली जाए। ऑफिसर,
मिस्टर प्रेम कुमार की तलाशी ली जाए। मिस्टर प्रेम कुमार, आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस के अलावा किसी को भी अदालत में पिस्तौल, चाकू या छुरी लाने की इजाजत नहीं है। यह गैर कानूनी है। आपके पास इसका लाइसेंस है? जी नहीं, मेरे नाम पर इसका लाइसेंस नहीं है। यह पिस्तौल मेरी वाइफ की है, योर ऑनर। बैरिस्टर गीता, अगर यह पिस्तौल आपकी है तो आप इसे पहचानती होंगी? जी हाँ योर ऑनर, यह पिस्तौल मेरी है और इसका लाइसेंस भी मेरे नाम है। मैंने अपने हस्बैंड को कोर्ट आने से पहले संभाल कर रखने के लिए दी थी, गलती से यहाँ ले आए। मिलॉर्ड, ये जो पिस्तौल बरामद की गई है, इसी के सहारे बहुत से गैर कानूनी काम किए गए हैं। इसी पिस्तौल से किडनैपिंग वाले मुकदमे में झूठी गवाही दिलवाई गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस पिस्तौल का पिछले मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। संबंध है योर ऑनर, और बहुत गहरा संबंध है। इसी पिस्तौल से मिस्टर प्रेम कुमार ने राजू की जान लेने की धमकी देकर मिस प्रीति से झूठी गवाही दिलवाई थी। छी 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 छी, ये कैसी बेसर पैर की बातें कर रहे हैं आप बरिस्टर साहब, झूठी गवाही और प्रीति से? बेचारी प्रीति इस दुनिया में जिंदा नहीं है, इसकी आप उसकी नामौजूदगी का फायदा उठाकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे। आप कितने संगतिल इंसान है बरिस्टर साहब, आपको क्या मालूम प्रीति की खुदकुशी से हम लोगों को कितना सदमा पहुंचा है। और आपकी ऐसी बातें न सिर्फ मुझे बल्कि प्रीति की मासूम आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचा रही है। तकलीफ तो उन आत्माओं को पहुंचेगी जो अभी भी जिंदा है। मिस्टर प्रेम कुमार, राजू और प्रीति वाले मुकदमे की सच्चाई आज सामने आके रहेगी। कैसी सच्चाई, कौन सी सच्चाई? सच्चाई सिर्फ यह है बैरिस्टर साहब कि प्रीति मर चुकी है, उसने खुदकुशी की, और खुदकुशी से पहले जो उसने हमें खत लिखा था वो हमारे पास मौजूद है। वो खत मैंने ही लिखवाया था मिस्टर प्रेम कुमार, वरना आप प्रीति को जिंदा नहीं छोड़ते, और अब वही खत आपकी मौत का पैगाम बन गया है। क्या? प्रीति मरी नहीं, जिंदा है और इस वक्त अदालत में मौजूद है। मिस प्रीति, आपके साथ क्या हुआ ये अदालत को बताइए। मिस्टर प्रेम कुमार, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू योर ऑनर। प्रीति, मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि जब तक मिस प्रीति का बयान खत्म हो जाए, मिस्टर प्रेम कुमार को अदालत से बाहर ना जाने दिया जाए। मिस्टर प्रेम कुमार, आप अदालत में हाजिर रहिए। जज साहब, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा राजू आज जिंदा ना होता अगर पिछले मुकदमे में मैंने झूठा बयान न दिया होता। इसी पिस्तौल के नाप पर मिस्टर प्रेम कुमार ने मुझसे झूठा बयान दिलवाया था, और आज तक मैं इसीलिए जिंदा हूं कि अपने राजू को बचा सकूं। जज साहब, जब मैं राजू को सच बताने के लिए उससे मिलने जेल गई तो उसने मुझे बेवफा समझकर मिलने से इनकार कर दिया। शायद मैं इसी लायक थी जज साहब, मुझे लगा सातों आसमान मुझ पर फट पड़े और मैं दुख में डूबी समुंदर के पास तन्हा बैठी अपने आप को कोस रही थी। तुम्हारी दीदी का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ। कहाँ? ग्राम पे की रोड पे। आओ जल्दी करो। जीजा जी, भगवान न करे दीदी को कुछ हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
हुआ जीजा जी? देखता हूँ गाड़ी जरा बहुत झटके खा रही है। प्रीति, हाँ? प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ? ये क्या बदतमीजी है? सारी दुनिया जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, सिर्फ तुम नहीं जानती हो उस कमबख्त राजू में क्या है जो मुझ में नहीं है। आओ आओ मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूँ। खबरदार तू मुझे हाथ लगा तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरे सिवा तुम्हारी आवाज को और कोई नहीं सुन सकता। सिर्फ तुम हो, तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry. मेरे दोस्त की डेथ हो गई और मैं इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शरीक होने के लिए आया हूँ। मुझे पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन प्लीज आप इतनी घबराई क्यों हैं? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है। प्लीज हेल्प मी, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज आई बेग ऑफ यू। Thank you.
मेरी इज्जत लूटने वाला, मेरे डैडी का कातिल। हाँ जज साहब, यही है वो चेहरा जो बचपन से मुझे सपनों में डराता रहा, और अपने बर्बादी के वक्त ये भयानक चेहरा मेरी पहचान में आया। जज साहब, मेरी और मेरे खानदान की बर्बादी का कारण यही है, यही है वो गंदा नीच कमीना आदमी। इसे किसी भी हालत में माफ न किया जाए, जज साहब, किसी भी हालत में माफ न किया जाए। इस शरीफ आदमी के शराफत का कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। राजू बिल्कुल बेगुनाह है, कसूरवार है ये प्रेम कुमार। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे अपने किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर प्रेम कुमार को हिरासत में ले लिया जाए। कोर्ट कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। खुरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वरना ये चाकू इस लड़की की गर्दन के पास हो जाएगा। अब तो सब जान ही गए हैं कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। हट जाओ, मैं कहता हूं। दीदी, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना। मैं कहता हूं रुक जाओ। मैं कहता हूं एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। राजू, कमीने, छोड़ दो उसे। रुक जाओ। मैं कहता हूं, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे काट कर फेंक दूंगा। राजू, मैं कहता हूं रुक जाओ वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े डालूंगा। आ, 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 आ,